हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, ग्लिसरीन एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जिसका यूज़ अगर हम अपनी स्किन पर डायरेक्ट करते हैं तो ये हमारे स्किन के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है, तो अगर हम प्रॉपर वे में ग्लिसरीन का उपयोग डायरेक्ट अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर करते हैं तो उसके अनेकों फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें ग्लिसरीन का यूज़ करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं और ये हमारी स्किन के लिए किस किस तरह से उपयोगी होता है और हमारी स्किन को फ़ायदा पहुँचाता है। सबसे पहले दोस्तों, इसके गुणों के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर एंटी एजिंग गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। ग्लिसरीन का उपयोग त्वचा पर जो एजिंग इफ़ेक्ट होता है, यानी बढ़ती उम्र के जो लक्षण होते हैं उनको कम करने के लिए किया जाता है। कई एंटी एजिंग क्लींजर भी इसका यूज़ करते हैं। जो क्लींजर होते हैं जो स्किन इफ़ेक्ट को कंट्रोल करते हैं, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मौजूद मॉइस्चराइज़र करने वाला गुण और एमोलिएंट यानी त्वचा को आराम देने वाला गुण और स्ट्रेटम कार्नियम यानी त्वचा की बाहरी परत में नमी बनाए रखने वाला गुण, ये तीनों चीज़ें, तीनों गुण इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप इसका यूज़ स्किन पर करते हैं तो इससे त्वचा यानी हमारी स्किन एजिंग के प्रभाव से बची रहती है। इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी इरिटेटिंग गुण भी होता है और त्वचा को हाइड्रेट रखने में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। त्वचा को कोमल बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। छोटे छोटे घाव जो हमारी स्किन पर, हमारे चेहरे पर हो जाते हैं, ये उसको भी कंट्रोल करता है और उन्हें हील करता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे लेडीज़ हों, जेंट्स हों, तो आप ग्लिसरीन का फेस मास्क बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? आपको लेनी है थोड़ी सी ग्लिसरीन जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, और एक रुई का बोल आपको लेना है। सबसे पहले अपने चेहरे को साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लें। अब चेहरे को मुलायम साफ़ किसी भी कपड़े से, तौलिए से उसको हल्का हल्का साफ़ कर लें। फिर रुई में थोड़ी सी ग्लिसरीन लें। अब इसे चेहरे पर लगाएं। इसे चेहरे पर अच्छी तरह से सभी जगह पर लगाकर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें। फिर नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लें। तो ये हमारे चेहरे पर अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं तो ये एज़ अ फेस मास्क की तरह काम करती है। इससे पहले जैसे ग्लिसरीन के अंदर त्वचा को मॉइस्चराइज करने का गुण होता है, इसे रात को सोने से पहले, इस अगर आप लगाना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले लगा कर भी सो सकते हैं। और ये एक तरीके का नुस्खा है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आपकी स्किन को स्वस्थ और मुलायम बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। एज अ टोनर के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच ग्लिसरीन लें, 1 से 2 चम्मच उसमें गुलाब जल मिलाएं, एक छोटे बाउल में इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लें और फिर रुई के एक छोटे से टुकड़े से आप इसको अपने चेहरे पर डायरेक्ट लगाएं। लगाने के बाद में लगभग आप इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें और उसके बाद में आप अपने चेहरे को पानी से धो लें। त्वचा और चेहरे के लिए ग्लिसरीन और गुलाब जल का उपयोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जहाँ ग्लिसरीन त्वचा को हाइड्रेट करती है, वहीं गुलाब जल का उपयोग त्वचा की रंगत को निखारने में किया जाता है। इन दोनों का जब आप मिक्सचर बनाकर अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ग्लिसरीन एंटी एजिंग फेस पैक की तरह भी काम करती है। आपको लेना है एक बर्तन, छोटा सा बाउल, उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं, 1 अंडा, 1 चम्मच उसमें शहद मिलाएं। 1 कटोरे में सबसे पहले आप अंडे के सफ़ेद वाला जो भाग होता है उसको निकालें। अब इसे तब तक अच्छी तरह से फेंटें जब तक कि ये झागदार ना हो जाए। इसके बाद इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन और शहद डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। इसे कुछ देर तक सूखने तक इसको ऐसे ही लगा रहने दें। जब ये सूख जाए तो हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लें। ग्लिसरीन का उपयोग त्वचा की इलास्टिसिटी में सुधार करता है। इसकी जानकारी इससे पहले भी दोस्तों हमने एक वीडियो में साझा की थी। आप इसके अलावा इस मिश्रण में शहद का उपयोग किया गया है। शहद त्वचा को यानी हमारी स्किन को जमा बनाए रखने में और चेहरे से झुर्रियों को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अंडे का उपयोग भी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। किसी व्यक्ति को अगर अंडे से एलर्जी है तो ग्लिसरीन और शहद का भी उपयोग सिर्फ किया जा सकता है। अब दोस्तों, इसका हमें उपयोग करने के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। कई बार इसके कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो ऐसे में अगर ग्लिसरीन का आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर रहे हो, किसी तरह की कोई भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ एक स्थितियों में ये नुकसानदायक भी हो सकता है।
हो सकता है बहुत ज़्यादा किसी की सेंसिटिव स्किन हो तो ग्लिसरीन का उपयोग एलर्जी या रेशेज पैदा कर सकता है। तो आप एक बार, एक या दो बार इसको लगा कर देखें, अगर आपको अपने चेहरे पर निखार दिखाई देता है तो ही आप इसका यूज़ करें। गर्मियों में ग्लिसरीन के उपयोग से स्किन थोड़ी चिपचिपी हो जाती है। चेहरे पर ग्लिसरीन के उपयोग के वक्त थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी है। अगर ग्लिसरीन आँखों में चली जाए तो उससे जलन हो जाती है, तो आँखों में ना जाए इस तरह से हमें इसको अप्लाई करना है। आँखों के साथ साथ मुँह के आसपास भी ग्लिसरीन को थोड़ा सा सावधानीपूर्वक ही हमें यूज़ करना है। और इसके साथ, क्योंकि अगर आप इसका सेवन मान लीजिए मुंह में चली जाती है या आँखों में चली जाती है, तो कई बार इससे सिर दर्द या चक्कर वगैरह भी आने की समस्या हो जाती है। तो थोड़ा सा जब भी आप लगाएं इसको, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ही आप इसका यूज़ करें ताकि हमारी आँखों में या हमारे मुँह के अंदर ही ना जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।